जय हिंद। नमस्कार दोस्तों। दोस्तों आज मैं एक ऐसे कैंडिडेट से आपको एक बार फिर मिलवाने जा रहा हूं जिसके साथ आज फिर से जोधपुर एआरओ आर्मी भर्ती के अंदर एक बार फिर से इसके साथ धोखा हुआ है। तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं कि इस बंदे की किस प्रकार से चिनअप लगी थी वहाँ पर और किस प्रकार से आर्मी वाले सीनियर जो थे वहाँ पे स्टाफ था उन्होंने धोखे से इस बंदे को बाहर कर दिया है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा, इस वीडियो के अंदर मैं आपको हर एक चीज़ जो भी बताऊंगा प्रूफ के साथ दिखाऊंगा कि किस प्रकार से इस बंदे को चिनअप के अंदर फेल किया गया था और क्या बोल के इसको यहाँ से रिजेक्ट किया गया था। वो चीज़ मान्य है या नहीं मान्य है ये चीज़ आप मेरे को कमेंट के अंदर बताना। तो सबसे पहले मैं इस बंदे का थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन करवा देता हूँ। क्या नाम है भाई आपका? योगेश। योगेश कहाँ से हो भाई आप? डीडवाना से। डीडवाना से हो। अच्छा तो अभी आपने आज आर्मी के अंदर कौन से ट्रेड से फॉर्म में अप्लाई किया था? जीडी। जीडी से। तो आपने जीडी के अंदर कौन से बेंच में दौड़े थे आप? सातवें नंबर बेंच में। सातवें नंबर बेंच में आप एक्सीलेंट आए थे या गुड में आए थे? गुड में। गुड में आए थे। तो गुड में आने के बाद में आपको डॉक्यूमेंट्स के अंदर किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम हुई थी क्या? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई थी। तो उसके बाद में आपका जैसे लॉन्ग जंप है या जो टेढ़ा मेढ़ा अपना जो बैलेंस वाला होता है वो सब कुछ क्लियर हो गया था? क्लियर हो गया था। हाइट क्लियर हो गया? हाइट क्लियर हो गया था। चेस्ट क्लियर हो गया था? वेट क्लियर हो गया था? या उन तक नहीं पहुंच पाए थे? उन तक नहीं पहुंच पाया था, चिनअप लगवाई पहले। अच्छा, जैसे खड्डा और जो लॉन्ग जंप और वो जो टेढ़ा मेढ़ा है उसके बाद में आप डायरेक्ट चिनअप पे पहुंच गए थे। तो वहाँ पे चिनअप के ऊपर जाने के बाद में पहले आप अपने हिसाब से अपने लेवल में बताओ कि आपके साथ क्या हुआ था, जो चीज़ हुई थी, जो उन लोगों ने बोला था, किस प्रकार से आपने उसका रिएक्ट किया था, वो सारी चीज़ मेरे को क्लियर बताओ। मारवाड़ी में बताओ, कोई दिक्कत नहीं। हमने चिनअप लगवाई। जोर से बोलो। पहले हमने चिनअप लगवाई तो हमको वहाँ पे लटका दिया। कितने बंदे लटकाते हैं वहाँ पे? तीन बंदे। एक पाइप के ऊपर तीन बंदे लटकाते हैं? ठीक है। तीन बंदे लटकाए और तीन बंदे लटकाने के बाद मेरे जैसे चिनअप निकाला तो नीचे पैर अड़ रहे थे। नीचे पैर अड़ने के कारण उन्होंने कहा तू पैरों को बैंड कर ले। उन्होंने सामने से बोला है? हाँ। तो मैंने पैरों को बैंड कर लिए। बैंड करने के बाद उन्होंने मुझसे 10 चिनअप निकलवाई। मैंने 10 चिनअप प्रॉपर निकाल दी तो उन्होंने बोला, बाद में रिजेक्ट कर दिया मुझको वहाँ से। वापस वो लिखते हैं ना जब चिनअप में फिट हुआ या नहीं, तो उन्होंने बोला तुम्हारे हाथों में बैंड है इसलिए तुम्हें रिजेक्ट करते हैं। अच्छा। रिजेक्ट करने के बाद मेरा सिग्नेचर लिया और अंगूठे का निशान लिया। जब आपने उनको बोला कि भाई मैंने तो पूरी लगाई है, तो क्या बोला उन्होंने? उन्होंने बोला कहा नहीं, तेरे हाथों में बैंड है। मैंने कहा मैं दूसरी बार कर सकता हूँ ट्राई, लेकिन कहा नहीं नहीं एक ही चांस मिलेगा आपको। अच्छा, उन लोगों ने बोला कि चांस एक मिलेगा। जबकि आप बंदे पे देख सकते हो कि गुड़ की यहाँ पे सील लगी हुई इस बंदे के पास में, और जो चिनअप में बाहर किया उसका प्रूफ मेरे हाथों के अंदर अभी यहाँ पे आप देख पा रहे हो। ठीक है, इस बंदे को चिनअप के अंदर बाहर किया गया था, इसका प्रूफ ये क्लियर है इसके अंदर। ठीक है, तो अब मैं आपको बताऊंगा कि इस बंदे के साथ वास्तव में हुआ क्या था। इस बंदे का हाइट की वजह से वहाँ पे थोड़े बहुत पैर टच हो रहे थे नीचे चिनअप के अंदर। तो जब इसके पैर टच हो रहे थे तो उन्होंने बोला कि थोड़ा सा पैर फोल्ड कर ले। तो जैसे इस बंदे ने पैर फोल्ड, नॉर्मल पैर फोल्ड कर ले भाई, जमीन पे टच नहीं होंगे। और इसने कंप्लीट अप डाउन के हिसाब से आपने चिनअप लगाई थी? बिल्कुल, सारी चिनअप 10 की 10 कंप्लीट हुई थी। 10 चिनअप पूरी होने के बाद में जब मतलब इसको ये होता है भाई कि किसने कितनी लगाई, किसको कितने अंक मिलने चाहिए, कौन फिट है कौन अनफिट है, उस समय इस बंदे को वहाँ पे अनफिट किया गया। और जब इसने कारण पूछा, इसको पता ही नहीं था भाई हम तो फेल हो गए, इसको तो ये लगा कि भाई हम 10 लगा चुके हैं। जब इसने कारण पूछा तो बोला आपके हाथ बैंड थे। तो सबसे पहली बात तो ये कि जब हाथ बैंड थे तो उन्होंने पहले नहीं बोल सकते थे क्या वो लोग कि भाई आपके हाथ बैंड है आप सीधे हाथ करके लगाइए? पैर फोल्ड करने का उन्होंने खुद बोला था कि आप पैर फोल्ड कीजिए, तो उन्होंने पैर फोल्ड किए थे। इस भाई ने क्लियर बोल रहा है कि भाई मैंने पैर फोल्ड किए थे, लेकिन ये बंदा बोल रहा है कि मैं क्लियर 12 चिनअप लगाता हूँ, कंटिन्यू तैयारी करता हूँ। तो इसका ये चिनअप लगा पा रहा है या नहीं लगा पा रहा है वो भी मैं आपको इस वीडियो के अंदर दिखाऊंगा। क्या आप चिनअप लगाने के लिए तैयार हो अभी? सर तो चलो फिर आ जाओ अपने पास में। यहाँ पे अभी हमें इसको लेके आया हूँ, एक अपने पास में नज़दीक के अंदर ग्राउंड था, उस ग्राउंड के अंदर मैं इस लड़के को लेके आया हूँ। जोधपुर एआरओ भर्ती जो अपना ग्राउंड चल रहा है, उस भर्ती ग्राउंड के पास में एक ग्राउंड है, एक पार्क है, उस पार्क के अंदर मैं इस लड़के को लेके आया हूँ कि क्या वास्तव में ये लड़का जो बता रहा है वो चीज़ सही है या गलत है, ये 10 चिनअप लगा पा रहा है या नहीं लगा पा रहा है। यदि लगा पा रहा है तो मैं आपको प्रूफ के साथ में दिखाऊंगा कि इस लड़के ने कितनी चिनअप लगाई और इसका यह रहा इसका जिसके अंदर इसको फेल किया गया था। तो चलो अभी कर दिया, चलो रेडी तैयार हो, अप डाउन के साथ में होगा कंप्लीट 10। ठीक है, अप डाउन, टू डाउन, थ्री डाउन, फोर डाउन, फाइव डाउन, सिक्स डाउन, सेवन डाउन, एट डाउन, नाइन डाउन, टेन नॉर्मल प्रो डाउन, वेरी गुड शाबाश। अभी जिस प्रकार से आपने इसके अंदर देख लिया कि कंप्लीट किस प्रकार से बच्चे ने पूरी 10 चिनअप लगाई है, यदि कोई बंदा बोल सकता है किसी के माइके लाल में दम है कि इसने 10 चिनअप वो कंप्लीट नहीं लगाई है, इसके हाथ बैंड थे, इसके पैर फोल्ड थे, तो सामने आके लगवा सकता है। मैं बता रहा हूँ 100% बच्चे ने क्लियर चिनअप लगवाई है, ऐसे ही लगाते हैं आर्मी वाले। ठीक है, और ऐसे ही लगवाते हैं, इसके अंदर कोई चेंज नहीं है। आपने जो भीड़ कम करने का जो सिस्टम अपना रखा है ये मैं आपको बता रहा हूँ बहुत गलत चीज़ है ये।
जिन बच्चों को आप इस प्रकार से बाहर कर रहे हो, मैंने आज और भी वैसे वीडियो बनाए हैं जिनके लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा कि किस प्रकार से बच्चों को हाइट के अंदर गलत कर रहे हैं, किस प्रकार से बच्चों को डॉक्यूमेंट्स के अंदर गलत बाहर कर रहे हैं। तो ये चीज़ें हैं वो क्लियर होनी चाहिए। और जो वीडियो बना रहा हूँ इस बच्चे की और मेरी कोई आपसी जान पहचान नहीं है, जो वीडियो बना रहा हूँ, जो बच्चा मेरे को मिलता है कि सर आज मेरे साथ ऐसा हुआ था, ऐसे मेरे साथ गलत हुआ था, उन्हीं लोगों के मैं वीडियो बना रहा हूँ। बाकी ये नहीं है कि मैं कोई मेरा दोस्त है उसको मैं लेके आ गया कि चल तू झूठ मूठ बना दे। इसके अंदर क्लियर यहाँ पे दिखा है, ठीक है, रिजेक्टेड इन बीम। यदि आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है तो आप देख सकते हो रिजेक्टेड इन बीम साफ साफ इसके अंदर लिखा हुआ है। और इस बंदे को बीम के अंदर अनफिट किया जिसने अभी आपके सामने 10 चिनअप लगाई है पूरी कंप्लीट। तो क्या इस बंदे को बीम के अंदर अनफिट करना सही है या गलत है? कोई बोल देगा कि ये बंदा बाहर आके झूठ बोल रहा है। अरे कौन ऐसा होगा जिसने 3 साल मेहनत की है और जानबूझ के बीम में फेल होगा और यहाँ आके बाहर आने के बाद में 10 चिनअप पूरी लगाएगा? तो ऐसा कुछ नहीं है भाई, मैं आपको बता रहा हूँ सिस्टम अंदर है जो पूरा बिगड़ चुका है। आज डीडवाना तहसील की जो भर्ती थी उसके अंदर यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा संख्याओं में युवा साथी आए थे और बहुत सारे युवाओं को डॉक्यूमेंट्स, हाइट, वेट, चेस्ट, बीम, इन सब के अंदर बहुत ज़्यादा युवाओं को आज बाहर कर रहे थे। तो ये चीज़ें गलत है, मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ। ऐसे वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सभी युवाओं को जागरूक करें ताकि इन चीज़ों को रोका जा सके। सिस्टम को बनाना जरूरी है। यदि आप भीड़ कम करना चाहते हो तो उसके लिए आप सिस्टम डेवलप करो। इस प्रकार से बच्चों को धोखे से आप बाहर नहीं कर सकते हो, ठीक है। अभी आप कुछ करना चाहोगे और युवाओं को? और सर मैं ये बताना चाहता हूँ कि जल्दी से जल्दी ये भर्ती हो जाए और बच्चे दौड़ पास करें, नहीं इसकी उम्मीद छोड़ दें। अच्छा, ये भाई बोल रहा है कि जितना जल्दी हो सके भर्ती, भाई ये चाहता है कि क्लियर हो जाए क्योंकि अभी उम्मीद नहीं रही है बच्चों को, मतलब विश्वास नहीं रहा है। मेन बात ये है कि बच्चों को भी विश्वास नहीं रहा है क्योंकि कब कौन सा नियम पलट दे, यहाँ पे कोई सिस्टम नहीं रहा है। अभी जो चीज़ पहले होती थी कि साला आर्मी की भर्ती इस महीने में होनी है तो होनी है, वो चेंज नहीं होती थी, तो अभी वो चीज़ नहीं रही है। अभी बच्चे जो फिजिकल फिट हो चुके हैं, जो मेडिकल फिट हो चुके हैं, उनके मुँह से मैंने यही सुना है कि भगवान की दया से कैसे भी करके ये भर्ती क्लियर हो जाए और एक बार इसका एग्ज़ाम हो जाए और हमारा सिलेक्शन हो जाए तो हम मानेंगे कि वास्तव में चलो क्लियर हो तो गया। तो आज ये जो विश्वास गिरा है कहीं ना कहीं ये सिस्टम की वजह से गिरा है, वरना युवाओं का आर्मी के प्रति बहुत ज़्यादा विश्वास था और मैं चाहता हूँ कि आगे भी बना रहे, लेकिन जब तक सिस्टम नहीं होगा तब तक बच्चों का ये विश्वास बना रहना मुश्किल है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी इसी ही ऐसे ही टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।